नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू ठाकुर आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद सोनू में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज जो मैं डिक्टेशन लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है संगति का असर। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। पैरा राम और श्याम दो भाई थे, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। राम पढ़ने में बहुत होशियार था, पर उसका भाई पढ़ने से दूर भागता था। राम के जो दोस्त थे वो पढ़ने में अव्वल थे, और वही दूसरी तरफ श्याम के दोस्तों को पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, वो पढ़ाई से दूर भागते थे। ये सब देखने के बाद राम अपने भाई श्याम को उसके दोस्तों से दूर रहने के लिए बोलता था, लेकिन श्याम अपने भाई की बात नहीं सुनता और उसे कहता कि आप अपने काम से मतलब रखो। पैरा। एक दिन श्याम अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा था। उसका भाई राम कक्षा में चला गया। अचानक श्याम के दोस्त आए और कहने लगे कि आज हमारे दोस्त हरी का जन्मदिन है, इसलिए आज स्कूल ना जाओ। पहले तो श्याम से मना किया, किंतु दोस्तों के बार बार बोलने पर वह उनके साथ चला गया। धीरे धीरे श्याम को आदत हो गई और वो हर रोज ऐसा करने लगा। पैरा। कुछ दिन बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें श्याम और उसके दोस्त फेल हो गए। वही उसके भाई ने प्रथम स्थान हासिल किया। श्याम अपने घर मार्कशीट लेकर गया। उसके माता पिता ने जब उसके अंक देखे वो बहुत उदास हुए कि हमारा एक बेटा पढ़ने में इतना अच्छा है और दूसरा इतना नालायक। पैरा। श्याम को महसूस हुआ कि मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, जिसके बाद उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा में आपको सफल होकर दिखाऊंगा। श्याम ने अपने उन सब दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता में उसका मार्ग रोका था, और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। पैरा। नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत से वह परीक्षा में सफल ही नहीं, बल्कि उसने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई है और उन्होंने श्याम को गले से लगाया और शाबाशी दी। पैरा। शिक्षा जैसी संगति वैसा ही परिणाम। स्टॉप।